उपचार हूं, मैं ओंकार हूं। मनुष्य शरीर को माटी का पुतला बताते हुए भोलेनाथ आत्मा को परमात्मा का अंश बताते हैं। आत्मा से मिलन अर्थात परमात्मा का साक्षात संबंध ही ब्रह्म ज्ञान का संदेश देकर भोलेनाथ हिमालय पर्वत क्षेत्र में स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा का रहस्य देवी पार्वती को बताते हुए डमरूनाद करते हैं। ध्यान अवस्था में भोलेनाथ देवी पार्वती को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं, परंतु देवी पार्वती ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकें इससे पूर्व ही निद्रा मग्न हो जाती है और उनके स्थान पर श्रापित कबूतर रूपी धौम्य ब्रह्मज्ञानी हो जाता है। कबूतर रूपी धौम्य को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये भी विधि का ही विधान था। माता पार्वती को सुअवसर मिलने के पश्चात भी ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान न होना भी संभवतः शिवलीला का ही अंग था। ये भी अटल सत्य ही है कि इस संसार में जो कुछ भी घटित होता है वो महेश्वर शिव की इच्छा से ही होता है। ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान देने के पश्चात कल्याणकारी शिव जब हिम शिवलिंग से बाहर पधारे तो देवी पार्वती को निद्रामग्न देखकर चकित रह गए। तुम सो रही हो पार्वती, तुम अपने निद्रा को रोक न सकी। परम शिव तत्व और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के स्थान पर तुम्हें निद्रा ही प्रिय है। आश्चर्य है, हमारे प्रत्येक वचन पर हुंकार कौन भर रहा है? कौन है वो प्राणी जो हमारी आज्ञा के बिना इस दिव्य ब्रह्म ज्ञान के संदेश को सुनकर हुंकार भर रहा था? उपस्थित हो। महादेव, आपकी आज्ञा के बिना तीनों लोकों में एक कण भी इधर से उधर नहीं होता। मुझे आपके डमरूनाद द्वारा इस स्थान पर पहुंचने का संदेश मिला। क्या आपकी इच्छा के बिना कपोत जैसा साधारण प्राणी इस भयानक शीत प्रदेश में एक क्षण भी जीवित रह सकता है? इसके उपरांत भी यदि मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया हो तो आप मुझे दंड दें भोलेनाथ। मैं पापी आपके दंड का ही योग्य हूं स्वामी। मन छोटा न करो ध्रुव, ये सारी माया हमने तुम्हें शाप मुक्त और ब्रह्म ज्ञान देने के लिए ही रची थी। ब्रह्म ज्ञान के लिए तुम्हारी पात्रता पहले ही निश्चित हो गई थी, अब तुम अपने गुरु के शाप से मुक्त हुए ब्रह्म ज्ञानी ध्रुव। भोलेनाथ, भोलेनाथ, आप कृपा निधान है, दया के सागर है। शाप ग्रस्त धौम्य को कपोत योनि से मुक्ति देने के लिए आपने कितना कष्ट किया है। आप कैलाश से यहां आए। जय जय भोले भंडारी, जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर। ये मैं क्या देख रही हूँ? डमरूनाद के उपरांत भी इस गुफा में ये युवा ऋषि कैसे प्रकट हो गए? माता, मैं औरव ऋषि का शिष्य ध्रुव हूँ। भोलेनाथ की प्रेरणा से ही यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। भोलेनाथ की प्रेरणा? हाँ माता, मैं शापग्रस्त ध्रुव कपोत वन आकाश में उड़ रहा था, तभी मुझे भोलेनाथ के डमरूनाद द्वारा इस स्थान पर पहुंचने का आदेश मिला। माता, आज भोलेनाथ की कृपा से
मेरा पुनर्जन्म हुआ है, अन्यथा कपोत योनि से मुझे मुक्ति कौन प्रदान करता? मैं समझ गई स्वामी, इन्हें ब्रह्म ऋषि को शाप मुक्त कर ब्रह्म ज्ञान का उपहार प्रदान करने के लिए ही आप मुझे इस पवित्र अमरनाथ गुफा में लेकर आए। किंतु मेरा दुर्भाग्य देखिए स्वामी, पाकर भी मैं उस दिव्य ज्ञान से वंचित रह गई। मेरी अभागी निद्रा। पश्चाताप न करो पार्वती, तुम्हारा निद्रा मग्न होना भी हमारी ही लीला का अंग था। ध्रौम्य, अब तुम अपने गुरु के पास जाकर उनकी उद्विग्नता का शमन करो। हमारी आराधना करते हुए भी वे दुखी हैं, उनका मन अस्थिर है। तुम उन्हें दिव्य ब्रह्म ज्ञान प्रदान करो जो तुम्हें हमसे प्राप्त हुआ है। हाँ ध्रौम्य, एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति यही कर्तव्य भी है, एवं संभवतः आने वाला भविष्य इस बात का साक्षी होगा कि तुमसे अधिक मूल्यवान गुरु दक्षिणा किसी भी शिष्य ने अपने गुरु को प्रदान नहीं की। जो आज्ञा माता। ध्रौम्य, हम तुम्हारे विनम्र स्वभाव और सदाचार से प्रसन्न होकर तुम्हें दिव्य शक्तियां भी प्रदान करेंगे। मैं आपकी इस महान कृपा के योग्य नहीं था भोलेनाथ। भगवान, अब मुझे आज्ञा दी जिससे शीघ्र अतिशीघ्र मैं अपने गुरु को विषाद मुक्त कर सकूं। ओम नमः शिवाय। स्वामी, क्या मैं अब भी ब्रह्म ज्ञान से वंचित रहूंगी? धैर्य रखो देवी, समय आने पर इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। अपने मन की उद्विग्नता का शमन करो देवी। तुम्हारे मन में जो प्रश्न जन्म ले रहे हैं उनका निसंकोच उल्लेख करो। स्वामी, ये अमरनाथ गुफा आपके ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने से ब्रह्म भूमि बन गई है। इसकी शांत तथा आध्यात्मिक वातावरण ने मेरे मन को प्रफुल्लित कर दिया है। स्वामी, अब मेरा मन यहाँ से जाने को उत्सुक नहीं है। क्या हम इस स्थान पर अनिश्चित काल तक निवास नहीं कर सकते? तनिक अपने नंदी तथा अन्य शिव भक्तों के साथ उन प्रियजनों की भी चिंता करो पार्वती, जो अपने समस्याओं के समाधान के लिए हमारी शरण में कैलाश पहुंचते हैं। हमें कैलाश पर ना पाकर सभी भक्त एवं प्रियजन भी ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रयत्नशील होंगे, इससे उन सबका कल्याण होगा। माँ के हृदय में ममता का ही वास होता है। जो ज्ञान तुम स्वयं प्राप्त न कर सकी उसे अपने भक्तों को प्राप्त कराने के लिए कितनी ललायत हो तुम। तुम्हारी इच्छा का सम्मान करते हुए हम तब तक यहाँ निवास करेंगे जब तक तुम स्वयं कैलाश जाने की इच्छुक नहीं होती। किंतु किंतु क्या स्वामी? हम यहाँ इस रूप में न रहकर हमारे प्रतीक हिम निर्मित शिवलिंग में ज्योति स्वरूप में निवास करेंगे। जो आज्ञा स्वामी। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः
नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। गुरुदेव और की जय हो। तुम प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव आपका शिष्य भगवान शिव की महान कृपा से आपके श्री चरणों में कपोत योनि से मुक्ति पाकर पुनः उपस्थित हुआ है। गुरुदेव मैं आपके आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। तुम आ गए पुत्र, तुम आ गए। तुम्हारी यहाँ उपस्थिति ये सिद्ध करती है कि स्वयं भोलेनाथ एवं तुमने अपने गुरु को क्षमा कर दिया। गुरुदेव भगवान शिव शंकर तो अपने भक्तों पर सदा ही कृपा करते रहते हैं, क्षमा का तो प्रश्न ही नहीं है। गुरुदेव यदि आप मेरी धृष्टता पर क्रोध ही ना करते तो मुझे ब्रह्म ज्ञान का शिव प्रसाद कैसे प्राप्त होता। ब्रह्म ज्ञान? हाँ गुरुवर, आपके आशीर्वाद से भगवान शिव शंकर एवं माता पार्वती के मुझे न केवल दर्शन हुए अपितु मैंने स्वयं भोलेनाथ के श्री मुख से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। आओ पुत्र आओ, तुम्हें शिष्य रूप में पाकर ये और धन्य हुआ। गुरुदेव इस समय मैं भगवान भोलेनाथ की आज्ञा से आपको दिव्य ब्रह्म ज्ञान का रहस्य बताने आया हूँ। तो इस समय तुम मेरे शिष्य नहीं अभी तो गुरु बनकर कृपा करने आए हो। ऐसा ना कहें गुरु, ऐसा ना कहें। इस धौम्य के जीवन का एक एक क्षण आपका ऋणी है। यदि आप इस तुच्छ अज्ञानी को शिष्य के रूप में स्वीकार ही नहीं करते तो ये सौभाग्य मुझे प्राप्त ही कहां होता। धौम्य मेरे पुत्र, भगवान शिव शंकर की कृपा और तुम्हारा ये उपकार मैं कदापि नहीं भूलूंगा, कदापि नहीं भूलूंगा पुत्र। इसे उपकार न कहे गुरुदेव, ये तो मेरी गुरु दक्षिणा है। इसे स्वीकार कर वास्तव में आप मुझ पर उपकार करेंगे। ध्रम गुरुदेव, ध्रम मेरे पुत्र, गुरु ध्रम मेरे पुत्र। नंदी भैया कहाँ चले गए? नंदी भैया आप इस तरह एकांत में क्यों बैठे हैं? एकांत में ना बैठे तो कहाँ बैठे। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का वियोग अब मुझसे सहन नहीं होता। क्या भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपको बताकर नहीं गए कि वे कब लौटेंगे? आप जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती मुझे कभी कुछ बताकर नहीं जाते। फिर आप लोग बार बार मुझसे ये प्रश्न क्यों पूछते हैं? उत्तेजित न हो नंदी भैया, प्रभु के न रहने पर हम सबको आपका ही आश्रय है। नंदी भैया आप बताएं इस वियोग से हम किस प्रकार मुक्त हों? भगवान भोलेनाथ का महामंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करके हम हर वियोग से मुक्त हो सकते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः नारायण नारायण। प्रणाम श्री हरि, प्रणाम माता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नारायण नारायण। ऐसा प्रतीत होता है माता लक्ष्मी भगवान भोलेनाथ से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके ही रहेंगी। श्री हरि श्री हरि अपनी आंखें खोले, श्री हरि अपनी आंखें खोले। अपने भक्त नारद की जिज्ञासा को शांत करें, अपनी योग निद्रा को विराम दे। श्री हरि अपनी आंखें खोले। नारायण नारायण।
भक्ति के इस प्रदर्शन को देखकर चकित मत हो नारद। प्रदर्शन? ये प्रदर्शन ही है नारद, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने का उत्सुक प्रत्येक व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की प्रेम में भक्ति के स्थान पर ब्रह्म ज्ञान के मोह में उलझकर अपनी भक्ति का बढ़ चढ़कर प्रदर्शन कर रहा है। नारायण नारायण, भक्ति का प्रदर्शन? श्री हरि, भक्ति का प्रदर्शन तो भविष्य में घातक सिद्ध हो सकता है। भविष्य के परिणामों से हम अपरिचित नहीं है नारद, किंतु समस्या ये है कि जब कोई सुनने का इच्छुक ना हो तो क्या किया जाए। श्री हरि, आप तो स्वयं ब्रह्मज्ञानी हैं, माता लक्ष्मी को ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर आप उनकी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। नारद, तुम चतुर होते हुए भी प्राय ऐसा प्रश्न पूछ बैठते हो, क्या आश्चर्य होता है। श्री हरि, मैं कुछ समझा नहीं। नारद, क्या देवी लक्ष्मी को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करना धन विमुख कार्य नहीं होगा? नारायण नारायण, श्री हरि, तनिक सरल भाषा में स्पष्ट करें कि माता लक्ष्मी को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करना ये धर्म विमुख कैसे होगा। तुम्हारी भाषा में कहूं नारद, तो व्यक्ति का कर्म ही उसका धर्म है। जैसे मानव मात्र के लिए चिंतित रहना तुम्हारा कर्म है, यदि तुम मानव मात्र के लिए चिंता ना करो तो क्या तुम धर्म विमुख नहीं हो जाओगे? अवश्य अवश्य ही मैं कर्म विमुख हो जाऊंगा। उसी प्रकार धन और संपत्ति की देवी लक्ष्मी का कर्म है मानव मात्र को उनके कर्मों के अनुसार धनी तथा समृद्ध बनाना। नारद, यदि देवी लक्ष्मी ब्रह्म ज्ञान को पाकर सन्यासिनी बन जाएंगी तो मानव मात्र को उनके कर्मों के अनुसार धन और संपत्ति कौन प्रदान करेगा? क्या इन्हें ब्रह्म ज्ञान प्रदान करना धन विमुख नहीं होगा? नारायण नारायण, अवश्य होगा श्री हरि विष्णु, अवश्य होगा। तुम कैलाश से होके आ रहे हो नारद? नहीं प्रभु, परंतु मैंने आकाश मार्ग से भ्रमण करते हुए देखा कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती वहाँ नहीं है। नंदी शिवगण उनके दर्शन के लिए व्याकुल हो रहे हैं। अर्थात भोलेनाथ तथा देवी पार्वती ब्रह्म ज्ञान के कारण ही कैलाश अदृश्य हो गए हैं। नारायण नारायण, प्रतीत तो ऐसा ही होता है श्री हरि। प्रभु, तनिक अपनी दिव्य दृष्टि से देखें कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती इस समय कहाँ हैं। तुम्हारे वैकुंठ आने का कारण अब स्पष्ट हुआ है नारद। नारद, हमें तो एक विशाल हिम शिवलिंग के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आता ये रहस्य क्या है। नारायण नारायण, जब आपको समझ में नहीं आ रहा है श्री हरि, तो हम सब का क्या होगा। आपको तो इस रहस्य का भेद जानना ही होगा श्री हरि, क्योंकि हम सभी शिव भक्त उनके दर्शन के लिए आतुर हैं। अर्थात ये रहस्य भी आपके लिए रहस्य नहीं रहा। नारायण नारायण, अभी तो ये रहस्य है नारद, किंतु इसके उद्घाटन से पूर्व हमें देवी लक्ष्मी को यह समझाना होगा कि शिव पार्वती के दर्शन के बिना उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो आप माता लक्ष्मी को लेकर कैलाश पहुंचे और मैं अपने स्तर पर हिम शिवलिंग का रहस्य भेदने का प्रयत्न करता। नारायण नारायण, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? देख रहा हूँ कि धन और संपत्ति की देवी लक्ष्मी तपस्या करते हुए कितनी सुंदर लगती है। परिहास न करें स्वामी, शिव कृपा से आप स्वयं ब्रह्म ज्ञानी हैं। मुझ दासी पर कृपा करें और मुझे भी ब्रह्म ज्ञान प्रदान करें। प्रयत्न करते करते मैं निराश हो गई हूँ। हमें ज्ञात है देवी लक्ष्मी कि शिव कृपा के बिना ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होना असंभव है। शिव कृपा प्राप्त करने का प्रयास तो मैं लंबे समय से कर रही हूँ,
शिव कृपा प्राप्त करने का अथवा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का? दोनों एक ही बात है। नहीं देवी लक्ष्मी, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लोभ में आपका मन शिव भक्ति में रमी नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में आपको शिव भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? देवी, ब्रह्म ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जो उसका पात्र होता है। तो क्या मैं ब्रह्म ज्ञान के लिए अपात्र हूँ? देवी, यह जानने के लिए हमें कैलाश चलना होगा। ये प्रयत्न तो हम पहले भी कर सकते थे। अवश्य, किंतु समय से पूर्व और शिव इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं होता देवी लक्ष्मी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। देवी सरस्वती, जिस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तुम लंबे समय से प्रयत्नशील हो, वो तुम्हें किसी एकांत स्थान में स्थित हेम शिवलिंग के दर्शनों के बिना प्राप्त नहीं हो सकेगा। स्वामी, ये रहस्य आपने अब तक क्यों नहीं बताया? शिवेच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं होता देवी, और ये संकेत भी मुझे कुछ क्षण पूर्व ही शिव शंकर की कृपा से ही प्राप्त हुआ था। पवित्र हेम शिवलिंग के दर्शन का सौभाग्य हमें कैसे प्राप्त होगा स्वामी? वो किस स्थान पर है? इसका ज्ञान तो हमें कैलाश पहुंचने पर ही होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसा रहस्य है। धौम्य तो अपने गुरु ऋषि औरव के श्राप से कपूत बन गया था, ये श्राप मुक्त कब हुआ और इसे श्राप मुक्त किया किसने? नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, प्रणाम देव ऋषि नारद। तेजस्वी, आपकी कृपा अपार है देव ऋषि। आपकी कृपा के कारण ही मुझे कपोत योनि से मुक्ति मिली तथा शिव कृपा से ब्रह्म ज्ञान एवं दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई मेरे कारण। ऋषि धौम्य, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो आपके लिए कुछ भी नहीं किया। हाँ, आपके प्रति हुए अन्याय की कथा मैंने भगवान भोलेनाथ को अवश्य सुना दी थी। उस कथा को सुनकर ही तो भोलेनाथ के मन में मेरे प्रति करुणा उत्पन्न हुई। ब्रह्मज्ञानी धौम्य, मैं तो मात्र माध्यम हूँ। देवादिदेव महादेव का मन तो अपने भक्तों के कल्याण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है। देव ऋषि, आपके माध्यम बनने पर ही वे मुझे मुक्ति दिलाने के लिए माता सहित अमरनाथ गुफा पहुंचे। आपको मुक्ति दिलाने के लिए अमरनाथ गुफा? मैं कुछ समझा नहीं। देव ऋषि, उस रात्रि में मैं कपोत बना एक वृक्ष पर शयन कर रहा था, तभी महादेव जी के डमरूनाथ से मुझे स्वर्ग की दिशा में जाने का आदेश मिला। मैं जब वहां पहुंचा
तो भोलेनाथ ब्रह्म ज्ञान का रहस्य बताने ही वाले थे। उन्होंने समाधि अवस्था में ही ब्रह्म ज्ञान का रहस्य बताना प्रारंभ किया। ब्रह्म ज्ञान की कथा अत्यंत रहस्यमय तथा कठिन है। लोक कल्याण तथा निरंतर शिव भक्ति में प्रयत्नशील शुद्ध आत्माओं, निर्मल मन और सात्विक बुद्धि वालों को शीघ्र ही शिव तत्व की प्राप्ति हो जाती है। शिव तत्व, शिव ज्ञान और शिव भक्ति को प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है शिव चरणों में अपना जीवन समर्पित कर निरंतर हमारे पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप कर। हमारे इस पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय में संसार का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान समाहित है। यही है परम दिव्य ब्रह्म ज्ञान। आश्चर्य है हमारे प्रत्येक वचन पर हुंकार कौन भर रहा है? कौन है वो प्राणी जो हमारी आज्ञा के बिना इस दिव्य ब्रह्म ज्ञान के संदेश को सुनकर हुंकार भर रहा था? उपस्थित हो, महादेव जी। मुझे आपके डमरू नाद द्वारा इस स्थान पर पहुंचने का संदेश मिला। ये सारी माया हमने तुम्हें शाप मुक्त और ब्रह्म ज्ञान देने के लिए ही रची थी। अब तुम अपने गुरु के शाप से मुक्त हुए ब्रह्मज्ञानी धाम में। भोलेनाथ, भोलेनाथ धाम में अब तुम अपने गुरु के पास जाकर उनकी उद्विग्नता का शमन करो। हमारी आराधना करते हुए भी वे दुखी हैं, उनका मन अस्थिर है। तुम उन्हें दिव्य ब्रह्म ज्ञान प्रदान करो जो तुम्हें हमसे प्राप्त हुआ है। महादेव जी की आज्ञा अनुसार मैंने अपने गुरु और ऋषि को ब्रह्म ज्ञान का आभास कराया। इस समय वे उसी के परम आनंद में लीन है। धन्य है आप और आपकी निष्ठा, धन्य है प्रिय ध्रुव। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती अभी भी कैलाश नहीं लौटे। क्या वे अमरनाथ गुफा में विराज रहे हैं? मैं तो शाप मुक्ति एवं भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर यहाँ चला आया था, किंतु वो स्थान इतना प्रेरक एवं मनोहर है कि शिव शिवा वहीं रह जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। नारायण नारायण। संसार भर में
ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की लहर चल पड़ी है। क्या आप सब हमारे इस मत से सहमत नहीं हैं कि भगवान भोलेनाथ तथा देवी पार्वती के दर्शन किए बिना ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति असंभव है? आपका कथन अक्षरशः सत्य है श्री हरि, किंतु भोलेनाथ एवं देवी पार्वती के दर्शन हम प्रायः करते ही रहते हैं स्वामी। देवी सरस्वती, श्री हरि विष्णु के संकेत को समझने का प्रयत्न करें। अर्थात? अर्थात ये कि जब भोलेनाथ की इच्छा होगी तभी वे दर्शन देंगे और ब्रह्म ज्ञान प्रदान करेंगे। तथा ये भी ब्रह्मदेव कि हर कोई ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का पात्र नहीं है। स्वामी, पात्रता का मूल्यांकन किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा? पात्रता के मूल्यांकन का अधिकार मात्र भोलेनाथ के पास सुरक्षित है। देवी लक्ष्मी नारायण नारायण। आप सभी दिव्य शक्तियों को एक साथ पवित्र कैलाश पर देखकर नारद का जीवन धन्य हो गया। अपने इस पुत्र नारद का प्रणाम स्वीकार करें। नारद, तुम जिस कार्य के लिए गए थे क्या उसमें सफल हुए? नारायण नारायण, जिस कार्य का आरंभ स्वयं आपके आशीर्वाद से हुआ हो उस कार्य की सफलता में संदेह कैसा श्री हरि? मैं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के वर्तमान निवास को खोजने में सफल हुआ हूँ। तो शीघ्र ही बताओ कि भोलेनाथ एवं देवी पार्वती कहाँ हैं? नारायण नारायण, अब अपने स्वभाव के अनुसार भूमिकाएं न बनाओ नारद, और ये स्पष्ट करो कि देवी पार्वती और भोलेनाथ कहाँ हैं? हम सभी लोग उनके दर्शनों को आतुर हैं देवर्षि। नंदी महाराज, भगवान भोलेनाथ की कृपा से और ऋषि के शिष्य धौम्य को ब्रह्म ज्ञान के साथ साथ दिव्य शक्तियां भी प्राप्त हो गई हैं। ब्रह्म ज्ञानी धौम्य ने ही बताया कि स्वयं भगवान भोलेनाथ ने उसे कपोत योनि से मुक्ति देते हुए ब्रह्म ज्ञान का अमर आशीर्वाद हिमालय पर्वत में स्थित अमरनाथ गुफा में प्रदान किया था। अपनी दिव्य दृष्टि से हमने जिस शिव निर्मित पवित्र शिवलिंग के दर्शन किए थे वो निश्चित ही हिमालय पर्वत के पश्चिमी भाग में स्थित अमरनाथ गुफाएं हैं। वहीं हम सभी की भगवान भोलेनाथ तथा देवी पार्वती दोनों के दर्शनों की मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती की जय। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती की जय। चलो अमरनाथ धाम। त्रिलोकीनाथ भगवान भोलेनाथ और शक्ति स्वरूपा माता पार्वती की जय। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव शंकर और शक्ति स्वरूपा माता पार्वती की जय। साक्षात ब्रह्म भूमि अमरनाथ धाम की जय। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, हम सभी आपके दर्शन के लिए आतुर हैं। कृपया आप अपने महान दर्शन देकर हम सभी को कृतार्थ करें। यह हमारा सौभाग्य ही है माधव, क्या आपके इस पवित्र ब्रह्म भूमि के दर्शनों का अवसर हमें प्राप्त हुआ। अब अपने महादर्शन देकर हमारे सौभाग्य में वृद्धि करें। आने वाले भविष्य में ब्रह्म भूमि का यह स्थान शिव भक्तों के लिए जन्म मरण से मुक्ति पाकर अमरता प्राप्त करने वाले तीर्थ स्थान के रूप में विख्यात होगा। ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म गर्भा के स्वरूप भगवान शिव
स्वयं ब्रह्म ज्ञान ही है। अतः हम सभी शिव भक्तों को रीति नीति प्रीति के प्रीतिमान भगवान शिव तथा इस पवित्र अमरनाथ धाम की महिमा का गुणगान कर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना होगा। Ooh.